दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वो बयान तो आपको याद ही होंगे, जिसमें वो सरकार बनाने से पहले किसी भी प्रकार की सुरक्षा ना लेने की बात कहा करते थे। लेकिन अब एक नहीं बल्कि केजरीवाल की दो दो सिक्योरिटी लेने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों केजरीवाल की सिक्योरिटी पर सियासी बवाल मचा हुआ है, बताते हैं आपको। दरअसल बीते दिनों पहले पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा और प्रगट सिंह ने बकायदा दस्तावेज दिखाते हुए ये दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पंजाब का कन्वीनर दिखाकर पंजाब पुलिस से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब के कन्वीनर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, जिनका जेड श्रेणी सुरक्षा सूची में केजरीवाल के बाद दूसरा नंबर है। केजरीवाल ने खुद को पंजाब आम आदमी पार्टी का कन्वीनर बताकर धोखा किया है और ये सब कुछ पंजाब सरकार के जेड प्लस सुरक्षा हासिल करने के लिए किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते केजरीवाल को पहले से ही दिल्ली पुलिस से जेड प्लस सुरक्षा हासिल है, ऐसे में उन्हें दोहरी जेड प्लस सुरक्षा की क्या जरूरत है। पंजाब दे पुलिस रिकॉर्ड दे विच आम आदमी पार्टी का कन्वीनर पंजाब का दिखाया गया वा और अरविंद केजरीवाल वैसे भी प्रोटेक्टेड परसन की लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की घूमता रहना, प्रोटेक्टेड परसन की लिस्ट में जड़ा है अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी दिल्ली में दिती हुई है। जेडे कहिंदे सी असी आम आदमी हाँ, जेडे कहिंदे सी असी बिना सिक्योरिटी तो बिना सरकारी गड्डियां तो बिना सरकारी रहायश तो देश की सेवा करांगे। पंजाब कांग्रेस के नेता यही नहीं रुके, केजरीवाल के साथ साथ पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मिली जेट प्लस सुरक्षा की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में रैंप वॉक करते वक्त जिस शख्स को अपनी जान का कोई खतरा महसूस नहीं होता, उसे पंजाब में इतना खतरा महसूस होता है कि उसे जेट प्लस सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। राघव चड्ढा राज्यसभा का एक मैंबर है, पंजाब दे विचों जिहड़े बाकी सत्त राज्यसभा दे मैंबर आ उन्हां नूं तां किसे नूं जेट सिक्योरिटी नहीं दित्ती। साढ़े 13 मैंबर पार्लीमेंट ने पंजाब च लोक सभा दे, बहुतियां दे कोल सधारण सिक्योरिटी है और राघव चड्ढे नूं थ्रैट की है। इत्थों इह समझ आ गया कि थ्रैट परसैप्शन 100% बोगस है। ते राघव चड्ढे नूं जिहड़े मॉडलिंग करदे ने दिल्ली दे विच, जिहड़े ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਵਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਨੇਤਾਓਂ ਕੇ ਇਨ ਦਾਵੋਂ ਕਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਓਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਕੀਆ ਹੁਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਹੈ और ना ही आधिकारिक मुहर लगी हुई है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने खुद इसे टाइप करके पिटीशन के साथ लगाया है। ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, प्राइवेट दस्तावेज को पंजाब पुलिस का बताकर लोगों को गुमराह करने की शरारतपूर्ण कोशिश की गई है। अब किसके दावे में कितना दम है, कौन इस मामले पर सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो दस्तावेजों की जाँच होने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।